इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। सात निश्चय योजना से बनी सड़क हुई जर्जर, ग्रामीणों ने लगाया धांधली का आरोप। सहरसा जिले के सौर बाजार प्रखंड क्षेत्र के चंदौर पूर्वी पंचायत अंतर्गत वार्ड नंबर 4 में सात निश्चय योजना से बनी सड़क मार्ग जर्जर हो चुकी है, जिससे ग्रामीणों को आवागमन में काफी परेशानी होती है। इसको लेकर स्थानीय लोगों ने बताया कि सात निश्चय योजना से सड़क मार्ग निर्माण कार्य करवाया जाना था, लेकिन रुपए निकासी के बाद भी सड़क मार्ग निर्माण कार्य पूरा नहीं किया गया है, जिससे लोगों को आवागमन में काफी परेशानी होती है। साथ ही सरकारी पैसों का भी दुरुपयोग किया गया है। इसको लेकर कई लोगों ने बताया कि विगत दिनों भारी बारिश के कारण सड़क मार्ग जलमग्न हो गया था, जिसमें आनन फानन में कहीं कहीं छोटे छोटे ईंट के टुकड़े भर दिए गए थे, जो महज खानापूर्ति कर सीमित हो गई। कई लोगों ने बताया कि इससे पूर्व भी प्रखंड प्रशासन को इस समस्या से अवगत कराया गया है, लेकिन अब तक उनके द्वारा किसी भी प्रकार की कोई पहल नहीं की गई है। ऐसे में हम लोग अब इसकी शिकायत जिला के वरीय पदाधिकारी से करेंगे, ताकि सरकारी पैसों का दुरुपयोग नहीं हो सके। बताया जा रहा है कि सड़क मार्ग से दर्जनों की संख्या में लोग प्रखंड कार्यालय से लेकर जिला मुख्यालय तक जाते हैं, जिसके लिए एकमात्र यही सड़क मार्ग है, जो जर्जर होने के साथ साथ अब खंडर में तब्दील होता जा रहा है। सहरसा से मिथिलेश कुमार की रिपोर्ट। देखते हैं, यहाँ पर सड़क जो है जर्जर बनी हुई है, यहाँ पे काम नहीं हुआ है क्या? काम नहीं हुआ है। कितना दिन से है इसे? करीब 3 साल से। पता चला है कि 7 सदस्यीय टीम की गठन भी किया गया था, उसके द्वारा शायद आपका भी नाम था, उसमें काम कुछ नहीं हुआ था। कुछ नहीं काम हुआ है। पैसा तो निकासी हो गया होगा ना? पैसा तो निकासी हुआ है, लेकिन काम नहीं हुआ है। नहीं। कौन सा वार्ड है? 4 है। पंचायत कौन सा है? चंद्रपुरी। तो प्रशासन से आप क्या आग्रह करना चाहेंगे इसको लेकर? प्रशासन से ही आग्रह करने के लिए चाहते हैं कि जो सात निश्चय से योजना जो चल रही थी, इसका साफे न काम तम हुआ है अभी तक, इसका जांच किया जाए। इसका जांच किया जाए। क्या नाम है आपका? सुभाष कुमार। तो आप यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि भी है, और आपके सड़क की स्थिति जर्जर बनी हुई है, क्या वजह है इनका? पत्रकार महोदय, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। ये बड़ी दुखद बात है कि सात निश्चय योजना के माध्यम से माननीय मुखिया जी चंदौर पूर्वी इसको पास किए थे। अच्छा, कितना दिन पहले? सात निश्चय योजना तो 2-3 साल पूर्व चल रहा था। अच्छा अच्छा। 21 या 18 वगैरह में होगा। तो 60 जो 60-40 था। अच्छा अच्छा। तो ये योजना पास करके 60 जो है ना पेमेंट भेज दिया। अच्छा। सचिव और वार्ड सदस्य के खाता में उसी माध्यम से काम होता था। इसमें कोई भी 7 सदस्य टीम जो मेंबर है उसे भी आप पता लगाइए कि इस पर कोई काम नहीं हुआ है। अच्छा। और पता नहीं, प्रशासन को कई बार सूचना दे चुके हैं कि 7 निश्चय के द्वारा जो काम किया गया है वार्ड नंबर 4 में, ये सड़क का 60 रुपीज जब उठा है तो काम क्यों नहीं हुआ है? इसका कई बार हम लोग जिक्र किए हैं। अच्छा। लेकिन कोई सुनवाई नहीं, कोई संज्ञान नहीं, संज्ञान में दिए थे। हाँ, कई बार दिए हैं लेकिन कोई संज्ञान में नहीं ले रहे हैं। सरकार का पैसा दुरुपयोग करते हैं, हम लोग कीचड़ में बारहों मास जाते हैं। आप यहाँ के स्थानीय लोगों से पता लगाइए, यहाँ वार्ड नंबर 4 में मिट्टी सोलिंग PCC कपास कराया गया था मुखिया। अच्छा, जी द्वारा। अच्छा। और जब खाता में पैसा स्थानांतरित किया गया 60%, तो ये काम नहीं हुआ है। सिर्फ जो है मिट्टी गिरा के सोलिंग किया, PCC का पैसा कहाँ गमन हो गया इसका हम लोगों को अभी तक जानकारी नहीं है। अच्छा, इस प्रकार का मामला कब हुआ था, कितना दिन पहले हुआ था, पैसा निकासी की बात जो 19-20 होगा शायद, या 20-21 मैंने कहने का मतलब पूर्व में पैसा निकासी हो गया लेकिन काम उस तरीके से नहीं हुआ। नहीं हुआ है। क्या नाम है आपका? रामशंकर कुमार यादव, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी, सह मुखिया प्रत्याशी। वर्तमान में अभी मैं इस पंचायत के लिए पंचायत चुनाव के जो आगामी पैक्स, अच्छा अच्छा, पैक्स चुनाव आ रहा है उसी में हम पैक्स प्रत्याशी। किसी राजनीतिक दल से भी जुड़े हुए हैं? जी हाँ, जदयू में जुड़े हुए हैं, जदयू जिला महासचिव के पद पे अभी काम कर रहे हैं। हम अपने सरकार से भी आग्रह करते हैं कि ऐसे मामला को आप अपने संज्ञान में लेते हुए जल्द से जल्द इस पंचायत के वार्ड नंबर 4 में काम करवाया जाए,
ताकि हमारे यहाँ का जो तमाम हजारों जनता है वो इस रास्ते पे सूखे में चल सके। इसी तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।